एक और सरकार असहाय लोगों के लिए 10 रुपए थाली भोजन की जरूरत को पूरा कर रही है, तो वही दूसरी ओर उमरेड में सरकारी मालों की कालाबाजारी जोर पकड़ रही है। राशन की दुकानों में मिलने वाला अनाज कृषि मंडी तक पहुंचाया जा रहा है, जिसकी भनक तहसीलदार और फूड इंस्पेक्टर को भी नहीं। जानकारी के अनुसार उमरेड की कृषि मंडी में हर गुरुवार और शनिवार को चावल, गेहूं और अन्य अनाज बेचा जा रहा है। यह वही अनाज है जो राशन की दुकानों में गरीब रेखा के नीचे स्तर के लोगों के लिए वितरित किया जाता है, किंतु यह अनाज कृषि मंडी तक कैसे पहुंच गया, यह सवाल अब बना हुआ है, जिसकी जांच करनी आवश्यक है।